और इसलिए बात करते हैं प्रद्युमन के लिए जारी इंसाफ की जंग की। प्रद्युमन हत्याकांड के आरोपी छात्र को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 22 नवंबर तक फरीदाबाद के बाल सुधार गृह में ऑब्जर्वेशन के लिए भेज दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 नवंबर को होगी। वहीं आरोपी छात्र के पिता ने सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। आरोपी छात्र के पिता ने एक बार फिर से कहा कि मेरा बेटा बेकसूर है, लेकिन लोगों के जहन में अब भी यह सवाल दौड़ रहा है कि प्रद्युमन का हत्यारा आखिरकार है कौन। प्रद्युमन हत्या मामले में 3 दिन की रिमांड के बाद 11वीं के आरोपी छात्र को शनिवार को सीबीआई ने गुरुग्राम में जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड के सामने पेश किया। सीबीआई कोर्ट में पेश करने से पहले आरोपी छात्र को रेयान स्कूल भोंडसी ले गई, जहां क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। सीबीआई ने करीब 4 बजे आरोपी छात्र को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया। इस दौरान सीबीआई ने ना तो आरोपी की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की और ना ही रिमांड के दौरान मिले सबूतों की चर्चा की। सीबीआई ने एक एप्लीकेशन देकर आरोपी को बाल सुधार गृह में भेजने की मांग की। सीबीआई के आवेदन को स्वीकार करते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी छात्र को 14 दिन के लिए फरीदाबाद स्थित बाल सुधार गृह में भेजने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 22 नवंबर को होगी। कुछ नहीं, एक एप्लीकेशन आई सीबीआई की कि इसको ऑब्जर्वेशन होम में भरा जाए। हमने उसको कहा कि इसको फरीदाबाद भेजा जाए। कोर्ट ने हमारी वो बात मान ली, उसको फरीदाबाद 22/11 के लिए भेज। नहीं, कोई रिमांड नहीं मांगा, कोई रिमांड नहीं मांगा। वहीं इस मामले पर आरोपी छात्र के पिता सीबीआई की जांच पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ तो कह गए थे कि आके मिल सकते हैं, लेकिन सुबह 10 बजे वहाँ से ले लिया जाता था बच्चे को। अब पूरे दिन इधर या उधर रखते थे और रात को 10 बजे के बाद भेजा गया है डेली, जो कि इनको ऑर्डर था कि 6 बजे वहाँ पहुँचाएंगे। लेकिन इन्होंने सीबीआई है, इनके लिए कोर्ट वोट का ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता शायद, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। जो भी कुछ है वो मीडियम वर्ग के लिए ही है, जो भी कानून है, इसीलिए हम भुगत रहे हैं। आरोपी छात्र के पिता का आरोप है कि सीबीआई उनके बेटे के साथ मारपीट कर रही है। साथ ही मैंने उससे यही पूछा, मैंने बेटा तू उस दिन क्या हुआ तेरे साथ, तो उसने साफ साफ बोला कि पापा उस दिन मुझे बहुत मारा गया, यहाँ तक कि मुझे उल्टा भी लटकाया गया। जो एक लाइन दे दी गई उसको कि ऐसे कहना है, ऐसे कहना है, ऐसे कहना है, वो ही बोला। आपके घर पे ये भी रिपोर्ट आई है कि 28 तारीख को रेड की है सीबीआई वालों ने, और क्या लिखे गए आपके घर? 28 सितंबर को बच्चे के कपड़े, जूते, लैपटॉप और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और कुछ सॉक्स वगैरह नहीं थी शायद, और कुछ उसकी नोटबुक वगैरह। आरोपी छात्र के पिता का ये भी कहना है कि सीबीआई उनके बेटे के दोस्तों से भी जबरदस्ती पूछताछ कर रही है। सर ऐसा है कि जो दोस्त है ही नहीं, अगर थोड़ा बहुत कोई कांटेक्ट में अगर किसी का नंबर आ जाए तो उसको भी दोस्त बना के उससे जबरदस्ती पूछ रहे हैं। क्या ये कर सकता है ऐसा, क्या ये कर सकता है ऐसा, तो क्या जो उसको जानता भी नहीं ठीक से वो क्या जवाब देगा? तो आपको क्या लगता है इस पूरे केस में कि सीबीआई किस तरीके से काम कर रही है? मुझे नहीं पता सर किस तरह से काम कर रही है, लेकिन मेरे बच्चे को फंसा रही है। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि जिस तरह की अफवाहें मेरे बेटे के बारे में फैलाई जा रही हैं, वो सरासर बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा पढ़ने में होशियार था और इस बात की तस्दीक स्कूल से मिली रिपोर्ट भी करती हैं। इस बार सिर्फ एक ही पीटीएम हुई है, मैं नहीं गया हूँ, मेरी वाइफ गई है, बच्चा साथ गया, एक ही पीटीएम हुई है। सभी टीचर्स ने उसको बहुत अच्छा बोला है कि पढ़ने में भी अच्छा है, और इसका जैसे प्लस वन में पहुंचा था, टीचर्स नहीं थी तो अम्मी मम्मी को सभी टीचर्स के पास ले गया, सभी रूम्स में उन्होंने यही कहा कि बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है और बिहेव बहुत अच्छा है। जो आज मिसबिहेव का उस पर वो लगा रहे हैं, आपको ये दिखाता हूँ, ये स्कूल की तरफ से मुझे प्रोवाइड हुआ था 2 महीने पहले ये, हाँ 2 या 3 हो गए होंगे, ये 10th के अकॉर्डिंग दिया गया है। इसमें से 65 में से टोटल 60 उसको दिए गए हैं। प्रद्युमन की हत्या किसने और क्यों की, इसकी जांच में सीबीआई भी उलझी हुई है। इस हत्याकांड को लेकर
सीबीआई ने स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ से कई राउंड की पूछताछ भी की है। इतना ही नहीं, आरोपी छात्र के कॉल डिटेल्स के आधार पर कई छात्रों से भी पूछताछ की गई है, लेकिन अभी भी ये संशय बरकरार है कि हत्याकांड में कौन कौन शामिल है। सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी है कि सीबीआई को इस मामले में कुछ अन्य छात्रों के भी शामिल होने का शक है। सुशील सिंह, टोटल न्यूज, गुरुग्राम।